दोस्तों, आज हम एक 4000 वाट का एम्पलीफायर बनाए थे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि सर एम्पलीफायर कनेक्शन वाले का बोर्ड ही मुझे चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 2000 वाट का एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर बोर्ड है। उन्होंने कहा कि पूरी टेस्टिंग के साथ मुझे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने सब्सक्राइबर की पूरी सुनते हैं। तो 2000 वाट का ये बोर्ड है। रही दोस्तों ओम्स की बात, चले तो ये 2 ओम्स को बताया गया कि 2 ओम्स को सपोर्ट करता है, लेकिन हमने फिर भी इसके ऊपर जो है 4.2 ओम्स का लोड डाला हुआ है। क्या कर रखा है हमने, ये दो स्पीकर सीरीज में कर रखे हैं, ये दो पैरेलल में कर रखे हैं और ये सीरीज में कर रखे हैं। ये एक ही चैनल पे टोटल चलाया जा रहा है। अगर हम इसका लोड कैलकुलेट करेंगे तो हम आपको दिखा देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीमीटर है, अगर मैं यहाँ पे देखिए, पहले आपको कनेक्शन दिखा देना चाहता हूँ, कनेक्शन किस हिसाब से है। ये देखिए, यहाँ पे स्पीकर के ये वायर हैं और स्पीकर के वायर पहले स्टॉप के अंदर गए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, स्टॉप के अंदर गए हुए हैं और फिर स्टॉप से जो गए हुए हैं फिर इस बॉक्स के अंदर हैं, इस बॉक्स से हमारे इस बॉक्स में, इस बॉक्स से इस बॉक्स में, लेकिन आपस में सारे अटैच हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारा पूरा टॉप है ये दोस्तों 4 ओम्स में नहीं है, ये टोटल 16 ओम्स में है। और 16 ओम्स और 16 ओम्स दोस्तों, ये जो हमारा बैठता है टोटल 8 ओम्स बैठता है। और ये जो हमारे दो हैं ये हमने दोस्तों हमने पैरेलल कर रखे हैं और वो हमने सीरीज कर रखे हैं। मतलब टोटल जो लोड बैठ रहा है 4.2 ओम्स के आसपास बैठ रहा है, जो कि इस बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वाटेज की बात करी जाए तो हमारे पास 300 वाट का ये, 300 वाट का ये है स्पीकर, तो टोटल 600 वाट हो गया। और 300 300 यहाँ पे 6 × 12 1200, और हमारे पास 400 400 वाट के ये हैं। मतलब पूरा अप्रोक्स ऐसे ही बैठ रहा है, 2200 के आसपास पूरा लोड बैठ रहा है। तो उस हिसाब से जो बोर्ड है हमने वो इस हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से कनेक्शन किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बोर्ड है और ये इसकी पावर सप्लाई है। यहाँ पे पावर सप्लाई की अगर बात करी जाए तो दोस्तों, हमने जो पावर सप्लाई इसके अंदर दी है वो हमने 90 090 की दी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये कि हमारा 20 एम्पियर का है दोस्तों। और हमारे यहाँ पे मिक्सर है, एक मिक्सर से हमने यहाँ से ऑडियो दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑडियो हमने इस तरह से यहाँ पे दे दी है। और यहाँ पे हमने दोस्तों 0 12 वोल्टेज दी है और यहाँ से ये इसकी पावर सप्लाई और ये आउटपुट सिंपली हमने फाइनली यहाँ पे कनेक्शन कर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको टेस्ट करा के दिखाते हैं इसका पंच कैसा आता है, क्वालिटी कैसी आती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने ट्रांसफार्मर के वायर और मिक्सर के वायर यहाँ पे लगे हुए हैं, और मिक्सर को यहाँ से ऑन करते हैं और पावर सेट को ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे रिले ऑन हो जाएगी, देखिए रिले ऑन हो चुकी है और हमारे सिस्टम के अंदर पूरी पावर आ चुकी है और हमारा जो फ़ोन है वो मिक्सर से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब दोस्तों, कोई एक NCS चलाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका कैसा साउंड रहता है। चलिए फिलहाल जो है दोस्तों, हमने NCS प्ले कर लिया, आपको दिखा देना चाहता हूँ फिर से मैं, कभी आप डाउट में हो। यहाँ पे हमारा जो है स्पीकर का जो कनेक्शन है कोई भी कहीं से भी नहीं है, सिर्फ हमारा कनेक्शन जो है इसी बोर्ड से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पावर की जो कोड है वो यहाँ पे आई हुई है, जो कि काफ़ी हैवी है, आप नॉर्मल मत मानना। और अभी हम दोस्तों NCS सॉन्ग चलाते हैं, सिर्फ अभी बेस दिखाऊंगा आपको, फिर मिड ट्रेबल सारी चीज़ दिखाऊंगा और पीक पावर दिखाऊंगा और हीटिंग दिखाऊंगा। हीटिंग ये कितना होता है, हीटिंग का तो इसमें दोस्तों भूल जाओ कि हीटिंग ये होगा, क्योंकि दोस्तों 4 ओम्स पे एकदम मस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 ओम्स में मान सकते हो सब हीट होगा, तो दोस्तों तो आप फैन लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गेन बढ़ाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, अभी यहाँ पे जो है ना दोस्तों, हमने सॉन्ग को बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका साउंड आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से चल रहा है। अब आपको मिड बेस ट्रेबल वगैरह सारी चीज़ चेक कराते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो हमने सॉन्ग प्ले करेंगे अब हम आपको ट्रेबल और मिड के साथ दिखाएंगे, साथ में बेस भी। ये देखिए हमने शुरू कर दिया यहाँ पे, ये देखिए ये ट्रेबल बढ़ाते हैं, दोस्तों
हमने काफ़ी कम क्लिप उठाई हुई, कम से कम 30% आवाज़ पे इतना ज़्यादा जंप कर रहे हैं स्पीकर, यानी कि कुछ अलग ही साउंड आ रहा है, एकदम मस्त क्लियर है साउंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है ना ये साउंड दोस्तों अपने फ़ोन में ना सुने, आप अपना हेडफोन लगा सकते हैं, उसमें फील कर सकते हैं कि बेस क्या आ रही है, क्योंकि दोस्तों हेडफोन के अंदर ही आप बेस को जो है अच्छे से फील कर सकते हैं कि इनका पंच कैसा आ रहा है, कैसी ये बज रही है, कैसी इनकी क्वालिटी आ रही है साउंड की। क्योंकि अगर आप फ़ोन में सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आवाज़ फट रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर साउंड आ रहा है, क्योंकि वाटेज मैच है, ओम्स मैच है, उसके हिसाब से दोस्तों सारी चीज़ें मैच है। अगर यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज बिल्कुल सेम है, तो इसलिए दोस्तों जो पंच है वो एकदम बढ़िया आ रहा है। चलिए आप दोस्तों आपको थोड़ा सा और आवाज का मजा लेते हैं। तो दोस्तों साउंड तो एकदम ज़बरदस्त है। अगर आप ये बोर्ड दोस्तों ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो आपको ये वीडियो देख रहे हैं आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ख़रीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा बोर्ड है, हीटिंग की बात करें तो बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है, मतलब इस पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है, जैसे मतलब नॉर्मल हीट होता है ऐसा है। देखिए मैं आराम से हाथ लगा पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर मैं हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट है। और दोस्तों अगर आपको ये बोर्ड ख़रीदना है तो आप बेफिक्र होकर ख़रीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक कंपोनेंट जो है ना वो सारा चीज़ ओरिजिनल लगी हुई है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस से लेके रिले तक, और रिले से लेके दोस्तों हीट सिंक लेके आपके ट्रांजिस्टर, जिलिन के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ओरिजिनल। तो आपकी इच्छा है दोस्तों, आप खरीदना ना खरीदना, लेकिन क्वालिटी एकदम नंबर वन है, आपके हाथ में है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए आज इतना ही। जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।